हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर के बढ़ने की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। हिंदुस्तान में हर तीसरा इंसान हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी से पीड़ित है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण इसका होता है स्मोकिंग। जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनके अंदर आर्टरीज जो है वो हार्ड हो जाती हैं, उनके अंदर डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं हाई निकोटीन के कारण, जिसकी वजह से उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है मोटापा। मोटापा भी जो आने का कारण है वो है हमारा डाइट, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें मैदा भरपूर होता है, ऑयली खाना हम बहुत चाव से खाते हैं, और जो बाहर का जितना भी भोजन है उसमें उस तरह के नमक और तेल या रिफाइंड यूज किए जाते हैं जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। नमक यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि चटपटा बनाने के लिए भोजन को बाहर के खानों में नमक की अच्छी खासी मात्रा होती है, जो अपने आप में ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए एक बड़ा कारक होता है। और उसके साथ साथ होता है हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। हम व्यायाम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, हम अच्छे ऑफिस में बैठ के दिन भर काम करते हैं, तो कैलोरीज का बर्न नहीं होता है। ये सारी चीजें जब एक साथ मिल जाती हैं तो वो मोटापे को बढ़ाती हैं, आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट को बढ़ाती हैं, और स्मोकिंग जो है या जो धूम्रपान है वो आर्टरीज के अंदर इंजरी करता है, जिससे वहाँ पे प्लाक्स का या कुछ क्लोटिंग्स होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे आर्टरीज का जो रास्ता है वो नैरो हो जाता है, और इस नैरोइंग के कारण जो है ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लगता है। पहले ये कहा जाता था कि बढ़ती उम्र के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन आज की डेट में यंग एडल्ट्स में भी, इवन 20s में भी ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बीमारी अच्छे खासे लोगों में देखी जाने लगी है, और यही कारण है कि यंग लोगों में भी हार्ट अटैक आने लगते हैं। तो चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, बट अब बात कर लेते हैं कि क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या इसको रोका जा सकता है, क्या उसके आपके पास कुछ समाधान है कि आपको ब्लड प्रेशर ना हो। डेफिनेटली आपके पास बिल्कुल समाधान है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो 95% केसेस में एक्वायर्ड डिजीज मानी जाती है, या आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। तो अगर आप अपना लाइफ स्टाइल बदल लेते हैं, खाने पीने की आदतों को बदल लेते हैं, आप ब्लड प्रेशर को बिना किसी दवाई के ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको एक काम ये करना है कि तो जो कारक हैं, जो कारण हैं जिनके बारे में हमने बात की शुरू में, जिन कारणों से ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होने का खतरा होता है, उन कारणों को या उन कारकों को आप दूर कर दें। नमक की मात्रा खाने में थोड़ा कम कर दें, हो सके तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, ऑयली फूड, चिकना फूड, बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना ना खाएं, बाहर के खाने को ना कहें, और अपना डेली का रूटीन का कम से कम 45 मिनट्स का एक्सरसाइज का या ब्रिस्क वॉकिंग का आप अगर शेड्यूल बना लेते हैं तो आप मोटापे को कम कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जैसी बीमारियों को दूर रख सकते हैं। और अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो आप सी फूड्स का इस्तेमाल करें। सी फूड्स आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, खराब वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जिससे आपकी आर्टरीज हेल्दी रहती हैं और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। नॉन वेज में खास तौर से रेड मीट का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो खाने के बाद जो केमिकल्स आपके शरीर में रिलीज होते हैं उनसे आर्टरी जो ना कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं, इसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है रेड मीट के अंदर, इसलिए उसको भी अवॉइड करें। इसके साथ साथ आप बाहर के जितने भी सैचुरेटेड या प्रोसेस्ड फूड हैं उनको ना खाएं, डिब्बा बंद फूड जो है उनको इस्तेमाल ना करें, घर में बनी साफ सुथरी शुद्ध सब्जी इस्तेमाल करें, हरी सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, या जो साबुत फल हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, साबुत अनाज को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आपको एक तो भरपूर विटामिन्स की मात्रा मिलेगी जो आपकी आर्टरीज को, हार्ट को हेल्दी रखती हैं, और आप अगर नेचुरल फूड खाते हैं, स्प्राउट्स जैसी चीज़ें खाते हैं, तो आपकी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता और आप बड़ी दो बीमारियों से बच जाते हैं, डायबिटीज और हाइपरटेंशन से। क्योंकि हम यहाँ हाइपरटेंशन की ही बात कर रहे हैं तो फिर हम अगले पहलू पे बात कर लेते हैं कि आप रात का खाना कम खाएंगे और उसमें बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अगर अल्कोहल लेते हैं तो उसकी बहुत कम मात्रा अगर लेंगे तो आपको फ़ायदा करेगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं, तो वो भी आपको नुकसान करेगा, उससे आपका पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, यानी कि लीवर आपका ख़राब होता है तो उससे पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ जाता है और भी दूसरी बीमारियां का खतरा बढ़ जाता है। स्मोकिंग आपके लिए बहुत खतरनाक है, तो स्मोकिंग को बिल्कुल ना कहें, तो आप अपने आप को हेल्दी रखेंगे और ब्लड प्रेशर को कम करके रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतने ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उतनी ही तेज़ी से आपकी जो किडनी है वो फिल्टर करेंगे, क्योंकि किडनी अगर आपके ठीक है तो आपको हाइपरटेंशन नहीं होगा, क्योंकि
किडनी में अगर प्रॉब्लम होती है तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बनता है, इसलिए आप जब ज़्यादा नमक खाते हैं तो किडनीज में प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से किडनी फेल्यूर भी हो सकता है। इसलिए नमक की कम मात्रा खाएं, चिकने की कम मात्रा खाएं, एक्सरसाइज ज़्यादा करें, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएं और ऐसे फल खाएं जिनके अंदर विटामिन सी हो, जूसी फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये सब आपको हेल्दी डाइट देंगे और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपने डाइटरी कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत सारी दवाइयों को अलविदा कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से वाकई कुछ सीखा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लेना। पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लेना, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।